बढ़ता तापमान अब खतरनाक स्तर को पार कर रहा है। लगातार तपिश तपती गर्मी दुनिया में अलग अलग मुसीबत खड़ी कर रही है। कहीं जंगल जल रहे हैं तो कहीं बर्फ की दुनिया सिमटती जा रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लगातार बदल रहा है दुनिया का मौसम। पिघलते जा रहे हैं ग्लेशियर, जल रहे हैं जंगल, क्लाइमेट चेंज का खौफनाक असर। औसत तापमान ने पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार किया। लगातार जलते जंगल और पिघलते ग्लेशियर, ये दो तस्वीरें दुनिया में जलवायु परिवर्तन की गवाही दे रही हैं। पूरी दुनिया पर क्लाइमेट चेंज के असर में बढ़ोतरी हुई है। कितना बड़ा है दुनिया का तापमान, 1.5 डिग्री की सीमा क्यों खतरनाक है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो दुनिया के लिए मुसीबत का अलार्म बजा रहे हैं। पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स पर संकट। आर्कटिक हो या अंटार्कटिका या फिर यूरोप में एल्प्स की पहाड़ियां, ग्लेशियर्स पिघलने के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। स्विस एल्प्स के ग्लेशियर पर बड़ी मुसीबत, जहां ग्लेशियर पिघलने का संकट इतना ज्यादा है कि यहां जलवायु सुरक्षा से जुड़े कानून पर रेफरेंडम हो रहा है। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया तक क्लाइमेट चेंज का अलार्म बज रहा है। क्यों जल रहे हैं दुनिया के जंगल? अमेरिका के वॉशिंगटन के पास बेंटोन काउंटी का यह वीडियो है, जहां जंगल की आग भयंकर तबाही मचा रही है। आग में 2000 एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। यूरोप में भी जंगल की आग की मुसीबत विकराल रूप ले रही है। यूरोप के कई मुल्क जंगल की आग में जल रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्कॉटलैंड, ये देश जंगल की आग से परेशान है। आने वाले दिनों में इससे राहत मिलने की उम्मीद कम है। जानकारों का कहना है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। दुनिया पर अलनीनो का असर शुरू हो चुका है, लिहाजा तापमान बढ़ने की पूरी आशंका जताई जा रही है। वैसे तापमान बढ़ने से जुड़ी एक बेहद अहम बात सामने आई है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट यानी ECMWF के अनुसार वैश्विक औसत तापमान के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा जून के महीने में टूट चुकी है। ये पहली बार गर्मी के महीनों के दौरान 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर गया है। ये आने वाले दिनों के लिए खतरनाक संकेत है। वैसे माना जा रहा है कि 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल हो सकता है।